नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप से पहले सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की जबरदस्त उठी मांग। बताएंगे पूरी जानकारी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद विराट कोहली की कप्तानी पर हर जगह सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें या फिर बड़े बड़े दिग्गजों की, सभी विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भारत 3 बार विराट कोहली की कप्तानी में फाइनल हार चुका है। बात करें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में पाकिस्तान के हाथों हार मिली थी। उसके बाद 2019 में भी भारत को न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में हार मिली थी, और 2021 में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले फाइनल में विराट कोहली को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कोहली की कप्तानी पर तेजी के साथ सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बना देना चाहिए, और RCB की टीम भी आज तक IPL नहीं जीत पाई है। उसके कप्तान भी विराट कोहली ही हैं, और रोहित शर्मा की कप्तानी इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा ने मुंबई की टीम को कप्तानी की है और उन्होंने 5 बार मुंबई को चैंपियन भी बनाया है, जिसके कारण से सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाना चाहिए ताकि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि रोहित शर्मा T20 में अच्छी कप्तानी कर पाएंगे। हमने IPL में कई बार देखा है कि रोहित ने कई बार मुंबई को IPL का खिताब जितवाया है, इसलिए रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बनाने के सवाल तेजी के साथ उठ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का कप्तान घोषित कर देना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।